अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक है, खैरियत से? हम उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह लजीम। अल्लाह पाक आपका हमें नसर और निगहबान, आप खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें जहाँ भी रहें, और आप दोस्तों का, आप भाइयों का शौक सदा सलामत रहे। तो मैं आपका भाई सयाल एजाज आज एक और नई और मालूमती वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा पट्टा है, ये मैंने लिया था काफ़ी टाइम पहले। तकरीबन इसने मुश्किल से परियां निकाली थी। ये भी पता नहीं था कि ये नर है या मादी है। बहरहाल हम शौकीन ने अंदाज़ा था कि ये नर है, इसी वजह से हमने लिया था और लेके एक दोस्त के पास रख दिया था कि भाई इसको घुमाओ फिराओ इधर उधर। क्यों रखा था, किस लिए रखा था, क्यों लेके आया हूँ आज, वो भी अब दोस्तों के साथ में आइंदा नेक्स्ट वीडियो के में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। पर जो हमारी आज की वीडियो है, किस हवाले से है, क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, आप भाई ज़रूर ये वीडियो देखेंगे, बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखें, तभी आप भाइयों को ये बात समझ में आएगी। आमीन। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन दोस्तों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, थैंक यू भाई, अल्लाह पाक को खुश रखे। और जिन दो दोस्त अभी नए आए हैं हमारे चैनल पे पहला दफ़ा, तो उन दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, न्यू शौकीनों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी, जो नए शौकीन है स्पेशली, उनको भी कुछ मालूम हो जाए। खैर का काम है, सबका भला हो, कर भला तो हो भला। और जो असल बात है, आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, के मेन पॉइंट क्या है, असल मुद्दा क्या है, कि जैसे हम सब इंसान हैं, इंसानों को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात पैदा किया है, ठीक है, इसी में गोरे को काले पर और काले को गोरे पर फोकियत हासिल नहीं। इंसान सब बराबर हैं, सब भाई हैं, मुसलमान हैं, पर इंसान जात जो भी है, सब अशरफ अल मखलूकात है, ठीक है भाई। इस बात को आप एग्री करते हैं? तो जैसे भैंस है, भैंस के कलर एक काले कलर की होती है, एक दूसरे कलर की होती है, जैसे बकरी है, बकरी में दो तीन कलर आते हैं, भैंस तो भैंस है, बकरी तो बकरी है, भेड़ चाहे इधर की हो चाहे यूरोप की हो, बकरी है चाहे पेशावर की है चाहे सिंध की है, घोड़ा है चाहे पाकिस्तान का है चाहे आमिर का है, कहे सभी एक हैं। जैसे इंसान है, सिंध में मैं बैठा हूँ मैं भी इंसान हूँ, इंग्लैंड में बंदा बैठा है वो भी इंसान है, कोई किसी से उत्तम नहीं है। जैसे ना कहते हैं कि पैसे से हैसियत बदलती है, औकात नहीं, औकात वही होती है, सिर्फ हैसियत बदल जाती है। तो ये जैसे तितर है, तितर सा भी एक है, ऐसा नहीं है कि पक्का जंग में जो तितर है अंडे देते हैं वो काले कलर के होते, जो जाकर सांगण में तितर अंडे देते वो सफ़ेद कलर के, ऐसा हरगिज भी नहीं है। और ये जो नकल वसल की बात है, ये नस्ल हम इंसानों ने बनाए हैं, अल्लाह पाक ने एक इंसान पैदा किया है, एक परिंदा पैदा किया है, एक भैंस पैदा की है, एक बकरी पैदा की है, हमने उनके नस्ल वगैरह किस लिए बनाए, क्यों बनाए, इंसान तो इंसान है ना, तितर तो तितर है, काला तितर है, कि हमें पहचान हो सके, ठीक है, इसी वजह से। और ये नहीं कि इसमें दम ज़्यादा होता है, इसमें बुलारी कम होती है, उसमें बुलारी ज़्यादा होती है, सब में बुलारी होती है, सभी अच्छे हैं। अच्छे वो हैं जिसकी परवरिश अच्छी है, जिसकी तहजीब अच्छी है, जिसकी नशोनुमा अच्छी है, जिसको प्रॉपर आपने टाइम दिया है, जिस पे आपने मेहनत की है, वही तितर अच्छा होता है। और नस्ल देखेंगे, आउट क्लास है, नस्ल में ए ग्रेड है, और उसमें लक्षण 100 पैसे का भी नहीं है, ये सारा ढोंगे सारी बातें हैं। जैसे कि तितर इधर से
हमने दिया नवाब शाह, नवाब शाह थे चला गया सखर, सखर थे गया पिशावर, पिशावर थे गया यूके, यूके से आया मीरपुर खास, मीरपुर से खास खास से चला गया लड़काना। तो ऐसे तितर इधर के उधर उधर वहाँ के वहाँ यहाँ के यहाँ, ऐसे मैंने आपको साजिद को दिया, साजिद ने इरफान को दिया, इरफान ने आशिक को दिया, आशिक ने असलम को दिया, असलम ने किसी और को दिया। ठीक है भाई, तो तितरों की हमें कैसे पता कि ये तितर अच्छा है, ये तितर ऐसा तितर, कौन सा तितर अच्छा है, इसकी नस्ल अच्छी है, इसकी नस्ल बुरी है, ये सब जो बातें हैं भाई। एक मैं आपको छोटा सा मिसाल देना चाहता हूँ कि भाई ब्रांडेड और अनब्रांडेड का फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। आप दोस्तों को ज़रूर ये समझ में आएगी बात, आप सब समझदार हैं। जैसा कि एक कपड़ों का सूट है, ठीक है भाई, वो आप लेते हैं एक बड़ी शॉप से जिसको शीशे लगे हुए हैं बाहर से और अंदर एसी चल रही है, बड़ी लाइटें चल रही हैं, चमक है बड़ी, आपको बड़े बस चमकार नज़र आ रहे हैं। जाएंगे अदर खुशबू खुशबू है, वहाँ से आप जाकर सूट खरीदेंगे 7,000 रुपये का, ठीक है, क्योंकि वो ब्रांडेड है, वो मल्टीनेशनल है, उसके पास पैसा है, उसने अपना लुक ऐसा बनाया हुआ है, आप हंसी खुशी 7,000 देंगे। ठीक है, एक है लोकल दुकानदार मेरे जैसा कोई गरीब दुकानदार है जिसकी दुकान है कपड़े की, बड़ी मोटी दुकान है, उसके पास भी वही सूट है, वो आपको देता है 2,500 रुपये का। ठीक है, इधर आपने वहाँ पर फैसला करना है, आपने डिसाइड करना है कि कौन सी शॉप अच्छी है, कौन सी शॉप अच्छी नहीं है, सभी अच्छी है, वही कपड़ा है, वो क्या दुबई से मंगवाता है और हमने करुंडी से ख़रीदा है, भाई वही कपड़ा उसी फैक्ट्री से आया है, उसके पास भी है, इसके पास भी है, चलता क्या है नाम, ठीक है, चलता है नाम। तो भाई अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक सबकी खैर करे, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलातें आसान करे, खैर के काम में आसानियां बांटे, लोगों के लिए आसानियां पैदा करे, ना कि किसी का रास्ता रोके, किसी का रास्ता तंग करे, किसी के लिए मुश्किलात बने, किसी के रास्ते का पत्थर ना बने, बल्कि अगर कोई रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है तो उसको भी उठा के साइड पे कर दे, अल्लाह पाक आपके आगे आने वाला पहाड़ दूर कर देगा। तो भाई थोड़ा कहा ज़्यादा समझना, आप सब समझदार हैं, ज़रूर समझेंगे इस बात को इंशाल्लाह लजीम। और आप हम दुआ करते हैं आप को काफ़ी समझ भी आ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो हमारा भी साथ दें, हमारी सपोर्ट करें कि हमारा चैनल भी आगे जाए, हम जल्दी जल्दी मोनेटाइज करा लें चैनल, अपना जो टारगेट है रहा है वो पूरा करा लें, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं, सिर्फ मेरा नहीं आप सबका है, ये जान भी आपकी है। इंशाल्लाह जब भी हुक्म करेंगे हम हाजिर होंगे, हम ताबेदार होंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और अपने तित्रों को अभी रखिए ख्याल, तब तो भाई अल्लाह हाफिज़।